हिंदू की परिभाषा करते हुए सावरकर ने लिखा था, प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानता है वह हिंदुत्व है। इसी तरह हिंदुत्व को लेकर सबकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, व्याख्याएं हैं। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां सह हिंदुः, जो समाज में के दुष्टों की और अंतकरण के दुर्गुणों की हिंसा करे माने नाश करे वो हिंदु। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां सह हिंदुः। हिंदू कौन है? तो हिंदू शब्द में ही उसकी अर्थ है। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां, जो दुष्टों की और अपने अंतकरण के दुर्गुणों की हिंसा करे नाश करे वह हिंदू है। पर सनातन धर्म को ही हिंदू बोला जाता है। अनेक धर्म नहीं होते, सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज नहीं है, सभी धर्म ही नहीं है, धर्म मात्र एक है जो था है और रहेगा, उसकी किसी ने स्थापना नहीं करी। धर्म की कोई स्थापना नहीं कर सकता, धर्म की संरक्षण हो सकता है सीधे ईश्वर के द्वारा। ब्रह्मांडी नियम बनाए गए हैं, इसलिए भगवत गीता में ईश्वर बोल सकते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए आऊंगा। ईश्वर कर सकता है, ईश्वर का कोई दूत या फलाना या ढिकलाना ये काम नहीं कर सकता है। धर्म था है और रहेगा, यह सृष्टि जब से बनी है तब से धर्म था है और रहेगा, इसीलिए सनातन शब्द उसमें जुड़ता है। सनातन शब्द का अर्थ है जो था है और रहेगा, वह सनातन धर्म, उसी को हिंदू धर्म, आर्य संस्कृति, देव संस्कृति उसी को कहा जाता है। इसी हिंदुओं में 6 परंपराएं हैं साधना की, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जैन बौद्ध सिख, ये 3 और संप्रदाय, ये 6 साधना संप्रदाय, रस्ते ईश्वर को अथवा परम सत्य को पाने के रस्ते माने पंथ, ये 6 पंथ मिलकर सनातन हिंदू धर्म है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसमें नहीं है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी भारत की वस्तु ही नहीं है। मूल भारत के निवासी जो है वो वैष्णव शैव शाक्त जैन बौद्ध सिख, जैन बौद्ध सिख ये तो सबको मालूम है, लेकिन वैष्णव शैव और शाक्त ये शब्द सबको नहीं मालूम। तो वैष्णव माने विष्णु राम और कृष्ण इन अवतारों के उपासक, विष्णु और विष्णु के अवतारों के उपासक वैष्णव कहे जाते हैं, शिव और शिव के उपासक शैव कहे जाते हैं, शक्ति माने देवी, देवी के उपासकों को शक्ति के उपासक होने के कारण शाक्त कहा जाता है। वैष्णव शैव शाक्त ये 3 साधना पंथ, जैन बौद्ध और सिख ये और 3 साधना पंथ, ये 6 साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है, जिन पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू किया है। इसलिए सर्व धर्म नहीं होते, धर्म मात्र एक ही है, अकाट्य ब्रह्मांडीय नियम है जो किसी ने बनाए नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा बने हुए हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। इसलिए सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए पूर्णतः अपने धर्म पर सुदृढ़ रहना, इसको कट्टर बोलते हैं, और प्रत्येक हिंदू ने कट्टर हिंदू होना चाहिए। कट्टरता और उदारवाद में क्या अंतर है? उदारवाद नाम की क्या चीज है मेरे को आज तक के समझ में नहीं आई। हिंदुओं को डोमिनेट करना और अन्य लोगों को सर पे बिठाना, ये अगर उदारवाद है तो चूल्हे में जाए, ऐसा उदारवाद नहीं चाहिए। सर्वधर्म समभाव के नाम के पीछे हिंदुओं को अगर डोमिनेट किया जाता है, हिंदुओं की उपेक्षा की जाती है, तो चूल्हे में जाए ऐसा सर्वधर्म समभाव, ये सेक्युलरिज्म चूल्हे में जाए। क्यों? हिंदुओं ने ठेका लेके रखा है किसी सेक्युलरिज्म का, नहीं चाहिए। मैं तो कट्टर हूं और मैं अन्य लोगों को भी कट्टरवाद ही सिखाऊंगा कि धर्म के लिए कट्टर बनिए, अगर धर्म के लिए कट्टर नहीं है तो अधर्म सर पे चढ़ेगा। धर्म के विरोध में सिर्फ अधर्म होता है, बिचौली कोई बात नहीं होती। अगर राजनीति बोलती है कि मैं धर्म धर्म निरपेक्ष है, हम माने धर्म की हमें अपेक्षा नहीं है, तो उसको अधर्म की अपेक्षा है। जहां धर्म की अपेक्षा नहीं होती वहां पे अधर्म होता है, और ऐसी राजनीति अगर कोई चाहता है कि हमें धर्म निरपेक्ष राजनीति चाहिए तो अधर्म का राज होगा, अंधकार का राज होगा।
प्रसिद्ध संत काली महाराज कहते हैं कि जो अपने भीतर के दुर्गुणों की हिंसा करता है वही हिंदू है।